नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव चौधरी के कुछ बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त, मसालेदार एपिसोड में। और हम जैसा कि जानते हैं कि दो गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, तो आज दोस्तों मैंने कर दी है दूरी एकदम सीधा इनटू 100, बिकॉज मैं हूँ फिलहाल एमिरेट्स फर्स्ट क्लास सीट 1K में, जा रहा हूँ दिल्ली से दुबई, और अभी फर्स्ट क्लास में मैं इकलौता पैसेंजर हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं है, इसीलिए मास्क भी साइड में है। बाय द वे, मास्क साइड में इसलिए है क्योंकि फिलहाल दोस्तों मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी ड्रिंक, लेकिन जो वीडियो है वो बहुत मज़ेदार बनने वाला है। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, देखते हैं क्या बनता है इसी सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा फुल सेट है, मेरी आवाज़ भी सेट है। मतलब आज तो यार ना सुबह से लिटरली ऐसी हो गई है हालत कि मैं ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ अभी के लिए। लेकिन मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है, और ऑर्डर में क्या है बेसिकली, अभी जो है ना मैं गरम गरम पानी में ये आपका लेमन ट्राई कर रहा हूँ विद हनी, और इससे हो सकता है कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन मुझे लगा कि यार मैं चांस मिस नहीं करूँगा, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वाई नॉट पूरी ताकत से बनाया जाए। तो ऐसे में सेम ड्रिंक टेक ऑफ के बाद में, उसके अलावा मेरा ब्रेकफास्ट ऑर्डर मैं दे चुका हूँ, मेरा कैमरा फिसल रहा है, टिक गया है, तो टेढ़ा फ्रेम है, बट एनीवेज मज़ा भयंकर आने वाला है, आप जानते ही हो। अब देखो मैं सीट 1K से फिर सीधा पीछे 2K, फिर 1A, 2A, ई एफ जी एच, जितनी भी है ना सारी की सारी एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। ये मेरा एक बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों वैसे अभी अंधेरा कायम हो गया है, लेकिन इस अंधेरे से बचने का मेरे पास में एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे हम, और अभी हम अंधेरे सीधा रोशनी में आ जाएंगे। तारे जगमग कर दिए हमने, और अभी वीडियो जो है वो पूरी लिट होने वाली है, बिकॉज फुल ब्राइटनेस आने वाली है। और एक्चुअली ना बोला नहीं जा रहा, दिमाग में थॉट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जबान पे आते आते ना ताकत पूरी कमज़ोर पड़ जाती है, तो मतलब वो पूरी स्ट्रेंथ निकल के आ नहीं पाती। बट एनीवेज वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनने वाला है। ये एक्सपीरियंस पता है कभी आपने किया है कि इमेजिन करो कि आप पूरे प्लेन में सिर्फ आप ही हो? मेरे लिए ऐसा ही है, इस पूरे सेक्शन में सिर्फ मैं हूँ। बहुत 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 सेट सीन है एकदम। जो बोनस रोशनी चाहिए तो वो यहाँ से निकल सकती है, और यहाँ से जो ड्रिंक्स हैं वो भी निकल जाएंगी, 2-in-1 ना, मतलब समझ रहे हो। This is Shows here. We'll be departing on the westerly facing runway, the most southernmost runway here in Delhi, climbing left hand turns up to a dizzying altitude initially of 32,000 feet. Then, once we clear the jet stream winds, it should be up to about 38,000 feet with a flight time today of 3 hours and 20 minutes. Relatively good weather en route today, and pretty good weather en route on as we get to arrival in Dubai. Slightly misty conditions on arrival, generally good, generally winds from the east. I've got the pleasure of flying you today, and I'll get back to you update later on with an update of the time of arrival and the weather in Dubai in the morning. So sit back, relax, enjoy the flight, wear your mask, and thanks for joining us today on Emirates. बैठ गए तो गिर जाएंगे, लग जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में रन करना ही है। मैं ना मतलब मोस्टली जब भी किसी भी एयरपोर्ट पे होता हूँ ना, जो एयरपोर्ट मुझे पता है कि मतलब ज्योग्राफिकली कैसे लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल दुबई या मुंबई या दिल्ली वगैरह, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ चेक करने की, मतलब जब ये प्लेन जा रहा था रनवे की तरफ, कि एग्जैक्टली हम कौन सी डायरेक्शन से टेक ऑफ करने वाले हैं। मतलब अभी जैसे मैं अपने होटल रूम से देख रहा हूँ, तो मुझे मालूम होता है कि प्लेन आज एक डायरेक्शन से लैंड कर रहे हैं या फिर एक डायरेक्शन से टेक ऑफ कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है ना, उसको लेकर बड़ा क्यूरियस होता हूँ। और अभी मैं वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो टेक ऑफ है वो किस तरफ से होगा, बिकॉज अभी थोड़ी ही देर में बस हम सीधा आसमान की ऊंचाइयों में जाने वाले हैं, बाद में लैंड भी करवाएंगे कुछ 3 घंटे 23 मिनट बाद। चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग 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 और भाग भाग। या या हाँ, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है बस। A few inches later. दोस्तों यहाँ पे मेरे बैठे हुए गले को ताजा करने के लिए एमिरेट्स ने दवाई तैयार कर दी है। मैंने बोला था हॉट वाटर, साथ में लेमन और साथ में हनी,
अभी इसको अब मिक्स करेंगे और ये जो मिश्रण है ये मेरे ख्याल से मदद करेगा कि जल्दी से जो है मेरा गला ठीक हो जाए, बिकॉज जो गला बैठा हुआ है ना बहुत ज़्यादा, आई मीन मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ यार, बात करें बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी हम ये सामग्री तैयार करते हैं और उसके बाद में दवाई जो है वो समझ के इसको पियेंगे तो बड़ा मज़ा भी आएगा, टेस्टी भी है और गले के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। लेट्स सी। मुझे आज भी लगता है यार, मतलब जब भी मैं घर के बाहर होता हूँ ना और कभी भी जब ऐसे थोड़ी बहुत तबीयत वगैरह या मतलब बोलूँ कि मान लो गला जो है कुछ हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, मतलब इस टाइप की चीज कुछ हो गई, तो हमेशा लगता है कि यार काश मैं घर पे होता, बिकॉज हम सभी के घर में ना एक डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद है और ऐसे में हमारे दोस्तों खास ख्याल रखने के लिए जो हमारी घर पे मदर हैं या घर में दोस्तों कोई अगर हमसे बड़ा है ना, तो इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो घर में बाय डिफ़ॉल्ट रेडी मिल जाती हैं और बहुत जल्दी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी के लिए खुद से ही कुछ कुछ दिमाग लगा के और बोलो कि कैसे कैसे चीज़ें कुछ जो है वो ट्राई करें जिससे धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाए, मुझे असर लगता है कि होना शुरू हो गया है। मतलब वैसे तो खैर मैं मतलब यू नो एमरेट्स की जो सर्विस है उसका तो मज़ा उठाता ही हूँ, अब देखो ना मैंने इतनी अच्छी सर्विस का मज़ा उठाया और मुझे जो है वो जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन एक और चीज़ जो सबको चाहिए होती है और जो मुझे यहाँ पे स्टडी मिल जाती है ना वो है इंटरनेट। आई मीन मैं अभी फ़िलहाल वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और मैं एक स्पीड टेस्ट करता हूँ, देखते हैं कि हमको अभी इंटरनेट की स्पीड कितनी मिलती है। 7 Mbps की स्पीड आ रही है क्या भाई? इतनी स्पीड तो ना जमीन पे भी नहीं मिलती बहुत बार। 10.1 Mbps डाउनलोड, 2.96 Mbps अपलोड। आई मीन टेक्नोलॉजी का सोचो यार आप कि कैसे यूज़ होता है। हम सीधा सेटेलाइट से भी फिलहाल इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 40,000 feet की हाइट पे है, बहुत तेज स्पीड से बस मूव करते रहे, लेकिन फिर भी मोबाइल फ़ोन में अपने वाईफाई से यूज़ कर रहा हूँ 10 Mbps की स्पीड। सोचो तो मतलब फिर अपना काम जो है वो मैं क्यों ना करूँ साथ में। तो मतलब यार यहाँ पे ये जो बेनिफिट्स है ना ये वो बेनिफिट्स हैं जो मेरे को लगता है कि जब आप इनको यूज़ करते हो ना तो आपको मालूम चलता है कि यार इनकी क्या मतलब क्रेजी वैल्यू है, मतलब 10 Mbps की स्पीड ऑन द गो। 5 minutes later ये हम है, ये हमारी टेबल है और यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है। वो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इमिरेट्स के ट्रैवल हाइजीन किट की। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है फेस मास्क, सैनिटाइजिंग वाइप्स, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स। आई मीन कितना सही एक्सपीरियंस है यार कि मतलब हम जो है वो फिलहाल कुछ 40,000 feet की हाइट पे हैं, स्टार्स जो है वो ऊपर अपना काम कर रहे हैं, मतलब जो फील आता है ना कि मतलब जब आप अभी सोएंगे और ऊपर आप देखते हैं आसमान में सितारे, तो यार यहाँ पे ये जो टचेस है मेरे ख्याल से तो मतलब बहुत ही मज़ेदार है। फिलहाल के लिए मेरा काम हो गया है, अभी मैं अपने लिविंग रूम से उठ के जाता हूँ अपने डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे अभी मौका है ब्रेकफास्ट करने का। आई मीन जो मज़ा है ना आज पूरी फ्लाइट में कोई भी नहीं है, तो यार ये जो फीलिंग है ये बहुत ही मतलब ये बोइंग 777 में प्राइवेट जेट वाली फीलिंग है। अब आप सोच के देखोगे इतना मज़ेदार वाला ऑप्शन होगा। एकदम मज़े वाला माहौल चल रहा है, अभी बाहर सुबह होने वाली है और मेरा राउंड 2 चल रहा है अभी। एकदम मज़े वाला दोस्तों एक्सपीरियंस है। मैं आपसे यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा था कि मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो चारों तरफ कोई भी नहीं है, एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने पूरा ख्याल रखा है। और ये है इधर मेरा लिविंग रूम, पीछे मेरा डाइनिंग रूम था, ये मेरा एक बेडरूम है, एक पीछे है उसके, एक उधर भी है उधर भी है। तो मैंने दोस्तों अभी जो अपना बड़े वाला कैमरा है वो अंदर डाल लिया है, अभी जो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है लाइट बहुत कम है, लेकिन मैं अपने आईफोन को यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज एयरपोर्ट्स पे ना मतलब ऑन द गो फ़ोन काफ़ी कंपैटिबल होता है, काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है। सीधा, सीधा,
सीधा 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 बस 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 भाई तू लैंड करा बस लैंड ही हो जाएगा भाई आ छोड़ ऊंचे कर भाई और लैंड कर आ सड़क भाई और ऊंचे कर थोड़ा सा और ऊंचे Thank you very much. Thank you. Take Bye. Care. Bye. Have a nice day. Thank you. Bye. Okay. Officially, abhi ho gaya. Welcome. Ek baar wapas se COVID test. A few moments later. दोस्तों अभी मतलब फ्लाइट लैंड करने के सिर्फ 10 मिनट लिटरली एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर मैं अपना कोविड टेस्ट करा के पूरा चल के इमिग्रेशन होने के बाद में अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ लगेज बेल्ट पे बैग आने का। अभी दिल्ली वाली फ्लाइट से बैग आना स्टार्ट हुए नहीं है, सबसे पहले मेरा ही आएगा, तो बस एक बार वो बैग लेता हूँ, इधर ये चीज़ रेडी है और उसके बाद में सीधा बाहर और घर की तरफ। टाइम है वैसे भी एयरपोर्ट से 25-30 मिनट लगते हैं। दोस्तों यार गले में जो है वो हल्का हल्का आराम हो रहा है और मैं आ गया हूँ लौट के अपने घर। तो फिलहाल इस वीडियो को अगर यहीं पे एंड करते हैं, सफर काफी सही था और काफी जो है वो मजा भी रहा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बार ऐसी ही कमाल वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।